आज नवांगतोक पुलिस अधीक्षक जनपद संबल कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजोई पर गार्ड की सलामी लेकर कार्यभार ग्रहण किया गया तथा जनपद के मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए कानून व्यवस्था से संबंधित अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी भेजोई भी उपस्थित रहे। क्या पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी सर? आज मैंने जनपद संबल का पुलिस अधीक्षक का चार्ज संभाला है और आज यहाँ पे सभी लोगों से बातचीत हुई और सभी स्टाफ से मुलाकात हुई। तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि शासन के निर्देशानुसार जो भी पॉलिसीज हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और जो त्यौहार अभी चल रहे हैं शांतिपूर्वक उनको लोग मना पाएँ और इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। इसके अलावा कानून व्यवस्था संबंधी सभी प्रकरणों को गहनता से उसकी जांच पड़ताल की जाए, जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको गहनता से सुना जाए, संवेदनशीलता से सुना जाए और उसका जो भी कानून निराकरण हो वो किया जाए। साथ ही साथ सभी वर्गों जो भी अलग अलग जनपद के हिस्सों में रहते हैं उनसे संवाद पुलिस का बन पाए इसके संबंध में थाना स्तर पे और चौकी स्तर पे भी संवाद स्थापित करने के लिए एक माध्यम क्रिएट करें। तो कुल मिला के जनता जो भी है उनसे संवाद स्थापित हो और क्राइम और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस और उस पर सख्ती से जो भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी।